Have a nice day to all of you, dear students. Myself, Shalini, your teacher, welcome to all of you to your own educational channel, Gyan Ki Moti. In this video, I am going to get the reading done of the chapter 11 titled Kabaddi. So, without wasting our valuable time, let's get started. कबड्डी मैच इज हेल्ड इन जगतपुर विलेज एवरी सैटरडे। कबड्डी का मैच जगतपुर गांव में हर शनिवार खेला जाता है। अ क्राउड हैज गैदर्ड आउटसाइड मानिक काकाज हाउस। मानिक काका के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा है। ही इज द ग्राम प्रधान ऑफ द विलेज। वह गांव के ग्राम प्रधान है। मीना हु लिव्स इन द सिटी हैज कम टू जगतपुर टू मीट हर कजन रवि। मीना जो शहर में रहती है अपने चचेरे भाई रवि से जगतपुर मिलने आई है। रवि टेक्स हर टू द प्लेस वेयर द मैच इज गोइंग टू बी प्लेड। रवि टेक्स हर टू द प्लेस, रवि उसे उस स्थान पर ले जाता है वेयर द मैच इज गोइंग टू बी प्लेड, जहां पर मैच होने वाला था। मीना, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? मीना कहती है यहाँ क्या हो रहा है? रवि, अ कबड्डी मैच इज गोइंग टू बी प्लेड हियर बिटवीन द टीम ऑफ आवर विलेज एंड द टीम ऑफ द नेबरिंग विलेज जसरा। यहां एक कबड्डी मैच हमारे गांव की टीम और पड़ोसी गांव जसरा की टीम में खेला जाएगा। मीना, वाओ, इट वुड बी इंटरेस्टिंग। वाह, ये बहुत रोमांचक होगा। रवि, ओ यस, हां। मीना, हैव यू एवर प्लेड कबड्डी? क्या तुमने कभी कबड्डी खेली है? रवि, यस, दिस इज माय फेवरेट गेम। हाँ, यह मेरा मनपसंद खेल है। मीना, टेल मी मोर अबाउट दिस गेम। मुझे इस खेल के बारे में कुछ और भी बताओ। हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले कबड्डी? कितने खिलाड़ी कबड्डी खेलते हैं? रवि, कबड्डी इज अ गेम ऑफ टू टीम्स हैविंग सेवन प्लेयर्स ईच। कबड्डी एक ऐसा खेल है जो दो टीमों के बीच खेला जाता है, जिसमें प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। मीना, ओके, ठीक है। रवि, वन टीम बिकम्स द रेडर एंड द अदर टीम द डिफेंडर। एक टीम आक्रमण पक्ष की बन जाती है और दूसरी टीम बचाव पक्ष की। दे कम्पीट विद ईच अदर एंड मेंटेन द टीम स्पिरिट। वे एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करते हैं और सहयोग भाव बनाए रखते हैं। मीना, लुक, द टीम्स हैव अराइव्ड। देखो, टीमें आ गई हैं। रवि, ईच टीम इज ऑन इट्स ओन हाफ ऑफ द कोर्ट। हर टीम कोर्ट के अपने आधे भाग पर है। द गेम इज अबाउट टू बिगिन। खेल आरंभ होने वाला है या शुरू होने वाला है। मीना, विच वन इज जगतपुर टीम? जगतपुर की टीम कौन सी है? रवि, Our team is on the right half of the court. हमारी टीम कोर्ट के दाईं तरफ के आधे भाग पर है। The game starts. खेल शुरू होता है। A player from जगतपुर team goes to the opposite team. जगतपुर टीम का एक खिलाड़ी विरोधी टीम की तरफ जाता है। मीना, what is he chanting? वह क्या अलाप रहा है? रवि, he is the raider. वह आक्रमणकारी है। Holding his breath, he is chanting kabaddi, kabaddi, kabaddi. अपनी सांस रोक कर वह अलाप रहा है कबड्डी कबड्डी कबड्डी। मीना, what is he doing? वह क्या कर रहा है? रवि, he is trying to touch the players of the opposite team. वह विरोधी टीम के खिलाड़ियों को छूने का प्रयास कर रहा है। If he touches any player of the opposite team and returns to his court without being caught by the defenders, he will get a point. If he touches any player of the opposite team, अगर वह विरोधी टीम के किसी खिलाड़ी को छू लेता है and return to his court और अपने कोर्ट में वापस आ जाता है without being caught by the defenders, बिना बचाव पक्ष के खिलाड़ियों के द्वारा पकड़े जाने से, he will get a point, तो उसे एक अंक मिल जाएगा। मीना, what will happen if he fails to touch the defenders? क्या होगा अगर वह विरोधी खिलाड़ियों को छूने में असफल रहता है तो? रवि, he will get no point. उसे कोई अंक नहीं मिलेगा। If the defending team catches him, अगर विरोधी टीम उसे पकड़ लेती है, he will be out. वह खेल से बाहर हो जाएगा। मीना,
When will this game be over? यह खेल कब समाप्त होगा? रवि, it will be played for 40 minutes with a break of 5 minutes between two halves. दो अर्ध के बीच में 5 मिनट के विलंब से यह खेल 40 मिनट तक खेला जाएगा. The match went on smoothly. मैच सुविधापूर्वक चला. The Jagatpur team won the match. जगतपुर टीम ने मैच जीत लिया. मीना, thanks for bringing me here. मुझे यहाँ लाने के लिए धन्यवाद. It was a wonderful experience. यह एक अद्भुत अनुभव था. I will surely share it with my friends. मैं अवश्य ही इसे अपने दोस्तों के साथ बांटूंगी. Dear students, that's it for today. See you soon in the next video with all the necessary exercises of the same chapter. Till then, keep watching all the videos, keep learning and keep reading if you want to improve your efficiency in reading. And keep taking a good care of yourselves as well. Let's call it a day. Thank you.